Hi there guys, welcome back to my YouTube channel, that is Iconic Makeup Studio. Subscribe to my channel for more such videos. Follow me on Instagram, I will link in the description below. Let's get started. आज मैं बताने वाली हूँ आप अपने eyebrows को किस तरीके से define कर सकती हैं with the help of wax. जी हाँ, आप wax के help से अपने eyebrows को अच्छी तरीके से define कर सकती हैं. देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा, इसकी requirements क्या है. Before that, subscribe to my channel and follow me on Instagram, I will link in the description below. चलिए देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरीके से किया जाएगा और इसका सही प्रोसेस क्या है. कुछ दो चार चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि वैक्स स्ट्रिप. ये बड़ी वैक्स स्ट्रिप आती है, आप इसको सीजर से छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लीजिए. वैक्स चाहिए होगा और कोई भी पाउडर, जो फेस पाउडर हो या फिर कोई बॉडी पाउडर हो. मैंने ये पॉन्ड्स का लिया है एंड दिस इज वेरी इजी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद, फर्स्ट मैं अपने बालों को टाई करूंगी विद दिस. हेयरबैंड जरूर लगाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपके जो बाल हैं वो आगे नहीं आएंगे और ना ही वैक्स में चिपकेंगे. लेट्स स्टार्ट. अभी मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने ये स्ट्रिप्स जो हैं वो सीजर से कट कर ली हैं, वो नॉर्मल वैक्स स्ट्रिप्स हैं एंड मेरा वैक्स जो है वो पूरी तरीके से मेल्टेड है. आप चाहे तो इसके लिए जो वैक्स नाइफ आती है वो ले लीजिए, या बटर नाइफ भी आप यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप वुडन स्पैचुला आता है वो खरीद सकती हैं, वो परफेक्ट रहेगा आपकी आईब्रोज और अपर लिप के लिए. आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके फेस पे कोई भी क्रीम नहीं लगी हो. इट्स मीन दैट आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया देन आप वैक्स करना शुरू कर रहे हैं. पहले आपको अच्छे से फेस वॉश करना है, देन आपको जिस जिस एरिया में अपने वैक्स करना है आपको ये पॉन्ड्स का या कोई भी पाउडर लगाना है. आफ्टर दैट कोई भी रीका हो या कोई भी हो, नॉर्मल वैक्स हो, शुगर वैक्स हो, कुछ भी हो, आप उसको अप्लाई कीजिए एंड देन स्ट्रिप से निकाल लीजिए. दिस इज वेरी इजी. बस एक चीज और ध्यान में रखिए, जो वैक्स है बहुत ही सिजलिंग हॉट ना हो, क्योंकि आपके फेस की बात है, आपका फेस बर्न हो सकता है. लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको क्लोज आके दिखाती हूँ मेरे अपर लिप और आईब्रोज में किस तरीके से वैक्स करने वाली हूँ. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात होती है, आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए किसी भी सोप या फिर फेस वॉश से, और उसके बाद पाउडर अप्लाई कीजिए थोड़ा सा. और सबसे पहले आप आईब्रोज के बीच में वैक्स लगाना शुरू करें. अगर नीचे को ग्रोथ है तो नीचे को लगाइए और ऊपर को घसीटिए. इसके बाद आप अपने साइड से, ऊपर के साइड से स्टार्ट कीजिए आईब्रोज के, जिस तरीके से आप मैं दिखा रही हूँ. किनारे से आप निकालना शुरू कीजिए. वैक्स स्ट्रिप को लाइन से लगाइए, बिल्कुल लाइन से लगाइए, और ये देखिए किस तरीके से मेरे सारे बाल आराम से शेप में निकल रहे हैं. अब मैं अपने नीचे लगाना शुरू करूंगी, ऊपर से थोड़ा सा खींच करके नीचे से इस तरीके से गोलाई में आगे से स्टार्ट करते हुए पीछे तक वैक्स फैलाऊंगी, फिर पीछे से स्टार्ट करते हुए आगे की ओर वैक्स स्ट्रिप से निकाल लूंगी. अब मैं अपनी दूसरी आईब्रो पे ये अप्लाई करूंगी, ऊपर तक, पहले ऊपर अप्लाई करूंगी एंड आफ्टर दैट मैं इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद निकाल लूंगी. पहले आगे से, या आप किसी भी सीक्वेंस से निकाल सकते हैं, फिर मैं इसको पीछे से अच्छे से दबा के निकाल लीजिए. अब थोड़ा सा ऊपर घसीटूंगी और नीचे से गोलाई में लगाना शुरू कर दूंगी. और सबसे पहले इसमें भी यही अप्लाई करूंगी, नीचे से स्टार्टिंग करूंगी, पीछे से आईब्रो के कॉर्नर से, और इन में लेके चली जाऊंगी इसको. इस तरीके से अच्छे से दबाते हुए मैं इसको निकाल दूंगी. अगर आपको लगता है दो चार बाल बच गए हैं तो आप दोबारा वैक्स लगा के इसको निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से. स्ट्रिप लगाइए और निकाल लीजिए. छोटी स्ट्रिप्स काटने का यही बेनिफिट होता है कि हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं. जिस तरीके से हमें अपनी आईब्रोज को डिफाइन करना है उसी शेप में हम अपना स्ट्रिप को रख के निकाल सकते हैं. अब हम अपर लिप करेंगे, और अपर लिप के लिए अपना जीभ को अंदर लगाते हुए वैक्स को फूंकते हुए ऊपर की साइड से नीचे घसीटेंगे, और फिर एक स्ट्रिप लगा के अच्छे से ऊपर से दबा के नीचे से ऊपर की ऊपर घसीटेंगे.
अब दूसरी साइड ऊपर से नीचे लगा रही हूँ वैक्स मैं, और स्ट्रिप भी ऐसे ही चिपकाऊंगी कि नीचे से पकड़ के मैं ऊपर को घसीटूं। यही फॉर्मूला यूज होता है हर एक वैक्सिंग में। ग्रोथ की साइड देख ली जाती है, फिर उसके देखिए किस तरीके से बाल अच्छे से निकल रहे हैं मेरे, और दो चार बार और बचे हैं तो मैं उसको अपर लिप नीचे की ओर लगा के अच्छे से पुल कर लेती हूँ, घसीट लेती हूँ। ये देखिए, ये हो गया क्लीन। नाउ यू क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन पहले जो मेरे आईब्रोज थे और अभी जो आईब्रोज हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से इन्हें डिफाइन कर लिया है। अगर आपको लगता है कि एक दो बाल आपके बचे हुए हैं अभी भी आपकी आईब्रोज में, तो आप एक काम कर सकते हैं, प्लकर लेके इनको प्लक कर लीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। बार बार वैक्स लगाने से हो सकता है आपके आईब्रो में कुछ जलन हो जाए, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया होता है। आप इसको एक बार प्लक कर लेंगे एक दो बाल, तो आपका कुछ जाएगा नहीं, आपके अच्छे से डिफाइंड आईब्रोज हो जाएंगे। और जैसे कि अपर लिप की बात है, तो अपर लिप भी बिल्कुल मेरा क्लीन हो गया है। अगर आप कान के नीचे वाली जो जिसे कनपट्टी कहते हैं, इसे वैक्स करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लगा के और जनरली इसको वैक्स कर सकते हैं। अगर आपके चिन पे भी है, तो आप इस चिन पे भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बस एक मैटर ध्यान रखिएगा, जो आपका वैक्स है वो बिल्कुल भी इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका फेस जल जाए, क्योंकि आपके फेस का मैटर है। इसलिए आप हमेशा फूक करके, उसे टच करके, देख करके देन अप्लाई करिए। थोड़ा थोड़ा अप्लाई करिए क्वांटिटी में, और एक साथ निकाल लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल आइकॉनिक मेकअप स्टूडियो। मैं इसी तरीके की वीडियोस आपको रोज लाती रहूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। लव लव।